टीवी सीरियल अनुपमा में रोमिल के कमरे से गायब हुए पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद सब उसके साम उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा। हालांकि अनुपमा सच को भांप जाएगी। टीवी सीरियल अनुपमा के 4 सितंबर 2023 के एपिसोड में सही की हार और गलत की जीत होते दिखाई दी जाएगी। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे खोए हुए पैसे घर के हर सदस्य के कमरे में ढूंढे जाएंगे, लेकिन आखिरकार पाखी शाह को वह पैसे रोमिल के कमरे में मिल जाएंगे। कपाड़िया मेंशन का हर इंसान यह देखकर दंग रह जाएगा। सभी रोमिल को ही चोर समझना शुरू कर देंगे। रोमिल चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कहेगा उसने पैसे नहीं चुराए हैं। वह सबको बताएगा उसे अगर पैसे लेने होते तो वह घर में नहीं रहता, बल्कि पैसा लेकर कहीं बाहर चला जाता। वह सबको बताएगा कि जरूर ये पैसे अधिक और बरखा ने उसके कमरे में छिपाए हैं ताकि उसे फंसा सके। रोमिल के बार बार चिल्लाने से अंकुश इरिटेट हो जाएगा और अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ जड़ देगा। इसके बाद अनुपमा कमान संभालेगी और घर में पुलिस बुलाने की बात कहेगी। वह कहेगी कि फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए साफ हो जाएगा कि पैसे किसने चुराए हैं। इस पर अधिक फौरन बैकफुट लेगा और कहेगा कि घर के मामले में पुलिस को शामिल करने की जरूरत नहीं है। अधिक की बातों से अनुपमा को यह अंदाजा हो जाएगा हो ना हो पैसे जरूर अधिक ने ही रोमिल के कमरे में रखे हैं। अनुपमा यह साबित भी करना चाहेगी, लेकिन अनुज का पारा सातवें आसमान पर होगा और वह घर के अधिक और रोमिल को एक आखिरी चेतावनी देकर बात खत्म कर देगा। उधर शाह निवास में बनराज काव्या को अपने मन की बात बताएगा। काव्या बापूजी के साथ अपने मन का दुख शेयर कर रही होगी जब लीला आकर तमाशा खड़ा कर देगी। काव्या बार बार माफी मांगेगी, तब किंजल उसे समझाएगी कि अपनी गलती पर माफी की उम्मीद करना ठीक है, लेकिन माफी की डिमांड करना गलत है। तो दोस्तों कैसी लगी न्यू अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।